सर जेपी नड्डा आए हैं सर राजस्थान में आके गए हैं ऐसे ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई, ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर, इनका संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग, तो मैं यकीन में बार बार कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते, हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। अपने में धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। पर जिस रूप में इन्होंने ये घिनौना काम किया है, प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी के पक्ष के द्वारा हो, कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उसे सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे, कानून का राज नहीं रहेगा तो ये जो बेईमान करने वाले लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट है, इनके कभी तकलीफ नहीं होती है, चोट उनको नहीं लगती है, चोट लगती है जो निर्दोष लोग होते हैं, बेचारे समझते नहीं, हम तो जुलूस में आए थे, हमें क्या पता था ये घटना हो जाएगी, और फिर भड़क जाते बेचारे वो। तो ये जो स्थिति है, ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, मैंने 50 साल में देख रहा हूँ, बेचारा मरता वही है, चोट उसी के लगती है जो निर्दोष होते हैं। मैंने कोई सुना ही नहीं है कि दंगे करवाने वालों को भी चोट लगी है।